हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मज़ेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी को चार्ज करने की प्रोसेस क्या होती है और बैटरी चार्ज होने के बाद में बैटरी अच्छी है या खराब है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपके अगर गाड़ी की बैटरी खराब हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बैटरी अच्छी है या खराब है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली सामने वाले को गाइडेंस देना है कि कैसा चेक करना है, तो आप भी एक अश्योर हो सकते हो कि आपकी बैटरी अच्छी है या खराब है। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहाँ पे हम लोग काफी कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज और पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि बैटरी चार्ज करने की प्रोसेस क्या है। जब भी आप बैटरी चार्ज करने लगाते हो तो आप ऑथोराइज डीलर के पास ही जाइए, जिसके पास प्रॉपर सारे टूल्स है उसी के पास आप बैटरी चार्ज करने के लिए दीजिए। जैसे टू व्हीलर्स बैटरी होती है उनके अलग अलग चार्जर्स होते हैं, फोर व्हीलर बैटरी के अलग चार्जर्स होते हैं। टू व्हीलर VRLA बैटरी होती है, जिसे हम लोग वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी कहते हैं, वो सील्ड बैटरी होती है। तो उसे छोटी बैटरी को चार्ज करने के छोटे चार्जर्स आते हैं, तो उसको स्लोली चार्ज करना होता है। कोई अगर बैटरी वाला आपको बोलता है कि मैं दो घंटे में आपको बाइक की बैटरी चार्ज कर दूंगा, वो रॉन्ग प्रोसेस है। वो फोर व्हीलर की बैटरी पे आपकी बैटरी को चार्ज करता है और खाली बैटरी गर्म करके दे देता है, उससे पूरा बैटरी चार्ज नहीं होता है। जितना भी वोल्ट का बैटरी होता है उससे उसके 10% वोल्ट पे उसको चार्ज करना होता है। मान लो आपका 4 एम्पीयर की बैटरी है तो 0.04 AH के हिसाब से उसे 10 घंटे चार्ज करने के लगते हैं। तो कोई अगर बोल रहा है आपको दो घंटे में चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स वो फोर व्हीलर के बैटरी पे हाई वोल्टेज पे बैटरी खाली गर्म करके देगा आपको। तो प्रोसेस को समझते हैं पहले, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसे आंसर करने के लिए। दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं उनकी बैटरी डाउन होने के बाद में, वो क्या करते हैं कि हमेशा उसको जंप स्टार्ट करके एक आध घंटा गाड़ी को चालू रखते हैं, उनको लगता है बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। उसमें होती है चार्ज, लेकिन थोड़ी पार्टली चार्ज होती है, फुल चार्ज नहीं होती। तो ग्रेविटी जो है ये पूरा ऊपर नहीं आता है, तो उसके वजह से फिर वापस आप पार्क करोगे थोड़े दिन के लिए गाड़ी, तो वो वापस बैटरी डाउन होगा। तो ये रॉन्ग मेथड है। आपको अगर बैटरी डाउन हुई है जंप स्टार्ट करके, ये टेम्प्ररी सॉल्यूशन है। आपको अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो बैटरी को 10 से 12 घंटे के लिए चार्ज कीजिए। ये जो मीटर है इसके थ्रू मिलते हैं आपको ग्रेविटी के मेजरमेंट्स। अगर रेड में रहता है आपका वाटर, रेड पे आता है मतलब वो बैटरी फुल चार्ज नहीं है। अगर ब्लू में रहता है तो दैट इज़ पार्टली चार्ज, और अगर येलो में रहेगा तो बैटरी फुल चार्ज है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं ये कैसा हाइड्रोमीटर में फंक्शन करता है। गेज जाएगा यहाँ पे हाइड्रोमीटर में। इसे कैसे दोस्तों, हम लोग हाइड्रोमीटर जो मेजरमेंट टूल है इसके अंदर डाल दिया है, पता चलेगा एसिड जो होता है उसके अंदर अंदर में लेंगे और पता चलेगा कि कितना ग्रेविटी चार्ज है, कितना ग्रेविटी आपको दिखता है इसमें, वो देखेंगे आप। उसके लिए हमको पहले निकालने हैं इसके कैप। तो देखो ये कैप खोल दिए मैंने यहाँ से, तो ये 6 सेल है। 6 सेल में टोटल वोल्ट होता है बैटरी का 12.6, और हमको कैलकुलेट करने के लिए ईच सेल का मेजरमेंट लेना होता है। तो ईच सेल में 2.05 से 2.1 तक जो वोल्टेज होना ज़रूरी होता है, तो 2.1 को आप अगर प्लस करोगे ये 6 के 6 को, तो आपको 12.6 का आंसर आएगा। 12.6 मतलब आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है। मान लो एक आधे सेल में आपका वोल्टेज कम है, दैट मीन्स वो सेल गया है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि सारे सेल में वोल्टेज प्रॉपर है क्या। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि बैटरी फुल चार्ज है लेकिन वोल्टेज जो सेल के अंदर जो ग्रेविटी होता है वो कम होता है। ग्रेविटी को हम लोग, ये एसिड होता है, एसिड के अंदर सल्फरेट होता है, एसिड बेसिकली एसिड और वाटर का मिक्स होता है। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो जो एसिड होता है ये आपका करंट होल्ड करके रखता है। तो मान लो एक आधे जगह पे, एक आधे सेल में कहीं पे लीक रहेगा या शॉर्ट हुआ रहेगा, तो वो सेल में प्रॉपरली चार्ज होगा नहीं, उसका ग्रेविटी हमेशा कम रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक आधा सेल ख़राब है इसमें का। तो पहले चेक करते हैं कि कैसा सेल को चेक करना है। आप दो तरीके हैं इसको चेक करने के। एक है हाइड्रोमीटर, जिससे हम लोग ग्रेविटी चेक करते हैं कितनी है बैटरी के अंदर, और दूसरा तरीका जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो ये है ग्रेविटी मीटर। ग्रेविटी मीटर में मान लो अभी हम लोगों ने यहाँ पे गाया और इसको प्रेस करके इसके अंदर एसिड ले लिया। एसिड लेने के बाद में यहाँ पे देखो, ये ग्रीन में येलो में दिखा रहा है, तो ये इसमें फुल ग्रेविटी है, मतलब 12.5 के आसपास में ग्रेविटी दिखा रहा है। और इसके 6 के 6 सेल चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं येलो में है वाटर, मतलब बैटरी है ये फुल्ली चार्ज है।
और ग्रेविटी भी पूरा है इसमें। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल चार्ज है, यहाँ तक पूरा येलो में है, यहाँ पे भी येलो में है, तो ये 12.5 के आसपास है, तो ये भी फुल्ली चार्ज है, ये भी पूरा चार्ज है, ये भी फुल चार्ज है, ये भी चार्ज है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 6 के 6 सेल में जो ग्रेविटी है, पानी पूरा प्रॉपर चार्ज है एसिड। अभी इसको मैं, अगर आपके पास में हाइड्रोमीटर नहीं है, आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, तो कैसा चेक करना है ये बताता हूँ मैं आपको। हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है प्लस पोल से। तो यहाँ से पहला लगाना है यहाँ पे प्लस का, और माइनस का एसिड को टच करना है नीचे में, आपको ये 1.5 के आसपास रीडिंग देगा, तो ये 1.5 होना चाहिए। ये प्लस है यहाँ पे, ये साइड में आप देख सकते हो, ये जो प्लस है, ये प्लस से यहाँ पे प्लस में लगाया, इसको माइनस में लगाया, पानी को थोड़ा टच ही करना है, ये 1.5 का रीडिंग आ गया आपको मल्टीमीटर से। अभी आगे आगे बढ़ना है, तो अब यहाँ देख सकते हो इसको प्लस का प्लस में डाला है, यहाँ पे माइनस डाला है, 2.05 के ऊपर है, मतलब 2.10 तक रहना चाहिए, तो ये फुल्ली चार्ज है ये सेल। अभी यहाँ से दूसरे इसमें, यहाँ पे प्लस था, फिर वापस माइनस डाला, यहाँ पे 2.2 आया, ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग और सब चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2.29 फुल्ली चार्ज है, 2.05 के ऊपर ही है, तो दैट मीन्स फुल्ली चार्ज। और लास्ट जो सेल है वो भी चेक किया है, ये 1.9699 आ रहा है, 96 आ रहा है, 93 आ रहा है, तो ये थोड़ा सेल वीक दिख रहा है, लेकिन 1.99 है। और जब माइनस से आप करते हो तो ये 0.5 के ऊपर होना ज़रूरी होता है। अब ये पूरी तरीके से बैटरी जो है ये अच्छी है, हम लोग अभी बैटरी का कितना चार्ज है ये भी बताता हूँ आपको। अभी बैटरी जो है देखो 13.32, ये फुल्ली चार्ज है, 12.6 के ऊपर रहेगा तो फुल चार्ज रहेगा बैटरी। तो कोई कोई सेल में देखो आपको 12.1 के ऊपर आ रहा था, दैट मीन्स ये बैटरी है फुल चार्ज है, और ये बैटरी की कंडीशन अच्छी है। अभी इसको लोड अगर मार के देखना है आपको कि ये करंट प्रिज्यूम कर रहा है, तो ये भी पास होगा लोड में, लोड टेस्टर के थ्रू आप लोड मार के भी देख सकते हो, तो उसमें भी ये पास होगा, क्योंकि सारे सेल में ग्रेविटी परफेक्ट था, वोल्टेज भी परफेक्ट था, और जो एसिड का ग्रेविटी था वो भी परफेक्ट था, तो ये बैटरी अच्छी है हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बैटरी है ये 12.6 वोल्ट का होता है, 6 सेल को 2.1 के हिसाब से आप प्लस करते जाएंगे तो आपको 12.6 मतलब ये आंसर आएगा। तो अगर मान लो किसी में आपका ग्रेविटी कम है, दैट मीन्स वो सेल गया है, तो मान लो इसमें अगर 2.1 है, 2.1 2.1 इसमें अगर कुछ ड्रॉप होता है तो ये सेल गया है। तो हम लोग ये आपको बताते हैं यहाँ पे इस बैटरी में क्या फॉल्ट है। तो ये बैटरी है, इसका एक सेल ख़राब है, तो आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि कौन सा सेल इसका ख़राब है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी आप ये देख सकते हो पहला सेल यहाँ पे जो है वाटर, यहाँ पे ये रेड पे है, रेड मतलब ये 1100 पे है, तो ये बैटरी ख़राब है, यहाँ पे ये सेल ख़राब है। तो ये सेल एक ख़राब होने की वजह से पूरी बैटरी को पूरा जो वोल्टेज मिलना चाहिए होता है, जो 12.6 का है, वो नहीं मिलता है, तो बैटरी सपोर्ट नहीं करती है। आपको मैं ये हाइड्रोमीटर से बताया है, अभी आपको मैं इसके थ्रू भी बताऊंगा मल्टीमीटर के थ्रू कैसा होता है चेक। तो यहाँ पे देखो हम लोग सेल को चेक कर रहे हैं, मान लो अभी प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, हम लोग वो सेल, ये सेल को चेक कर रहे हैं मान लो। तो ये सेल अगर अच्छा है तो यहाँ पे ये बताएगा कितना चार्ज है। यहाँ पे देखो इसका जो रीडिंग आ रहा है, ये आ रहा है 0.56, लेकिन ये इसको चेक कर दे अगर मान लो इसको, तो यहाँ पे देखो आपको 2.6 के आसपास आ रहा है। तो ये सेल आखिरी का ख़राब है, इसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग, आखिरी के सेल को मैं दिखाता हूँ, आखिरी के सेल को दिखाओ, ये आखिरी के सेल में देखो कैसा है, आखिरी के सेल को चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 0.11 आ रहा है, 0.11, तो ये सेल जो है आखिरी का वो गड़बड़ है। बाकी सारे सेल हमने चेक किए, ये परफेक्ट है, तो ये एक सेल का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैटरी ख़राब है। देख सकते हो ये दिखा रहा है बैटरी 12.81, और यहाँ पे हम लोग लोड टेस्ट करेंगे तो ये है 35 AH का बैटरी, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका एम्पियर 35। जैसा आप इंजन में सेल्फ मारते हो, इंजन का जैसा प्रेशर रहता है वैसा ये 35 AH सिलेक्ट किया। अभी ये ओके करेंगे और उसके बाद में ये लोड मार के बैटरी का यहाँ पे सिचुएशन बताएगा कि, और ये 3 लोड मार रहा है, 3 बार चालू बंद कर रहा है गाड़ी को,
और यहाँ पे फिर वो उसका रीडिंग्स देगा कि बैटरी अच्छी है ख़राब है, तो सारे इंडिकेटर्स है। तो मान लो ये 10 के नीचे अगर होता है, कोई भी सेल्फ मारा भी, देखो यहाँ पे 11.27 आया, तो मान लो ये 10 के नीचे होता है तो आपको बताएगा वो बैटरी ख़राब है। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गुड का सिंबल आया है, तो गुड मतलब बैटरी ये अच्छा है। बैटरी का वारंटी कैसा प्रोसेस होता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यहाँ पे आई कार्ड में भी आप चेक कर सकते हो, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो। वारंटी क्लेम क्या परसेंटेज होता है, फ्री रिप्लेसमेंट कैसा होता है, प्रोरेटा क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो वीडियो में दी है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। बेस्ट तरीका दोस्तों है बैटरी चार्जिंग का, आप अमेज़न के टोल फ्री नंबर पे, यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर दिया है उस पे कॉल करिए। आपको ऑथोराइज डीलर जो जिनके पास में प्रॉपर मशीनरी है, जिसके पास प्रॉपर टूल्स है, वही आपको हेल्प कर पाएंगे। तो आप ये दिए गए नंबर पे अमेज़न के कॉल सेंटर पे फ़ोन कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे आपके बैटरी चार्जिंग को लेके। कभी भी बैटरी चार्ज करने के लिए उसकी प्रोसेस होती है, मान लो आपका 35 AH का बैटरी है तो आपको उसके 10% के वोल्टेज पे उसको चार्जिंग पे रखना होता है। तो जैसा आपका मान लो 35 एम्पियर का बैटरी है तो मीटर होता है बैटरी वालों के पास में चार्जिंग मीटर, उसके हिसाब से वो 3 AH पे उसको स्लोली 10 घंटे के लिए मिनिमम चार्जिंग पे रखते हैं, तब उसका ग्रेविटी प्रॉपर आता है। बहुत से बार ऐसा होता है 2 घंटे आपने बैटरी चार्ज करने रख दी और उसके बाद में आपका जो बैटरी है वो दिखा रहा है 12.6 के ऊपर, तो वो खाली बैटरी गर्म हुई है, वो उसके अंदर ग्रेविटी प्रॉपर नहीं आई है। मान लो अगर ग्रेविटी प्रॉपर ऊपर नहीं आई है और 12.6 दिखा रहा है, मतलब वो बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बैटरी चार्ज करने के लिए देते हो, वो जब वोल्टेज चेक करता है उसको आपको ये भी बोलना है कि आप ग्रेविटी सारे सेल्स की चेक करो। सारे सेल की ग्रेविटी का रिपोर्ट लेने के बाद ही आप कंफर्म कर सकते हो कि ये बैटरी अच्छी है या ख़राब है या फुल चार्ज हुई है। मोस्टली बहुत से टाइम ऐसा होता है कि दो घंटे में चार्ज करके देता है, वो बाद में आप गाड़ी पार्किंग के लिए रखते हो तो वापस डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, क्योंकि वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हुई होती। तो उसका प्रोसेस है ये प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।